हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीएम स्टडी पॉइंट ओडिशा। बहुत दिन पर आज वीडियो अपलोड होती आ वीडियोटा भी जनकर रिक्वेस्ट रही मे भी समस्त डाउट थी तर एक नुह तो सी मतलब पर्सनाली रिक्वेस्ट करते जो कि मुझे वीडियो को बनैली। तो डाउट थी यहाँ जे मैम लेसन प्लान केमती बनाजी एवं नुआ तुम्हें सब सिटी एडमिशन नहीं चो तो मे भी बहुत सारा डाउट थी लेसन प्लान केमी बनइब। मुझे जो एडमिशन नहीं थी मोर भी बहुत सारा डाउट थी, मुझे डरूली क्या किसी भूल जीवन तो लेसन प्लान बनइबारे। तो आज गोटे भिडियो में मुझे सब डिटेल्स तुमको कहीदेवी केमती तुम्हें लेसन प्लान बनइब। ठीक अच्छे, तो तुम फर्स्ट इयर कोर्स कौन कौन अच्छे देख। फाउंडेशन कोर्स अच्छे तुम FC2 FC4 और FC5 अच्छे, तीन टा अच्छे। एंड तुम जो PC रे रहिला माने कंटेंट बेस्ड पेडागोजी से कौन कौन PC1 जो थे ओडिया तुम्हें पढ़ो एंड PC4 साइंस आ PC6 ए जो हिंदी आउ जो रेस्ट रहिला सब्जेक्ट बेस्ड गुड़ा से तुम्हें सेकेंड इयर पढ़ो। तो फर्स्ट इयर तुम पाखे एतिक ही 6 बुक ही तुमको मिल जाए। तो 6 बुक रु तुम्हें देखि सब बुक गुड़ा ओडिया ही लिखाई, हिंदी बुक तो छड़ा हिंदी ही लिखा। तुम्हें जो लेसन प्लान बनइब लेसन प्लान ले तुम्हें ओडिया ही बनइब कौ थे धर तुम्हें ओडिया टॉपिक पढ़ल तो तुम्हें ओडिया ही लिख। साइंस भी पढ़ले भी तुम्हें ओडिया ही लिख, केवल हिंदी जोटा रहा तुमको हिंदी में लिखा पड़ो। क्लीयर है ठीक कथ कौन कौन तुम ओडिया सब्जेक्ट जो चूज कर तुम ओडिया लेसन प्लान लिखा से गोटे कपी भितर तुमको जो लेसन प्लान मिली गोटे से ही सब रोक। तो से तुम यदि ओडिया सब्जेक्ट को चूज कर पढ़ापी पिला तुम्हें ओडिया को चूज ओडिया ही लिखा। साइंस रे भी तुम यदि चूज करापर भी तुम्हें ओडिया लिख। एंड जो हिंदी रहा यहीटा ता हिंदी लांगुएज लिखा एति पास तुम क्लीयर है जो लांगुएज को लेकिन। तापर सेकेंड रे कौन ना तुम ये केतटा तुमको बनवाक पड़ो लेसन प्लान देख। यहाँ है फर्स्ट इयर रो लेसन प्लान यहाँ मोर नुह मैंने मो सीनियर जी थी मुझे पाखु यहाँ आनी थी मुझे फेरे भी नी मैं स्कूल मुझे फेरे नी ठीक अच्छे। तो से मांगिले भी ना मुझे फेरे भी ना छाड़। तो ये लेसन प्लान, तो ये लेसन प्लान ने तुम्हें देख पार सीरीयल नंबर कौन लिखाई है पूरा 1 रु स्टार्टिंग करते पर्यटन लिखाई है 18 पर्यंत। तामें तुमको फर्स्ट इयर में 18 लेसन प्लान बनइबार अच्छे। क्लीयर केतटा 18 हैला। तो 18 भितर माइक्रो टीचिंग आउ मल्टीग्रेड टीचिंग दुटा के अलग अलग हो। माइक्रो टीचिंग माने केवल तुम्हें गोटे सिंगल क्लास को लेकिन बनइब माने गोटे श्रेणी पिला तुम्हें पढ़ेब जमीक तुम द्वितीय हो तृतीय हो चतुर्थ हो पंचम हो केवल गोटे क्लास पिला पढ़ेब एट ए टाइम। जो मल्टीग्रेड कथ आसूर आम दुईटा क्लास को मर्ज करके बस कि पढ़ेगा से टेक्निक तुम आसा दरकार जेहतु तुम्हें एना डेल डे कर बेड पिला जी भी जहाँ कर। तो से लगे तुमर यो 18 भितर मल्टीग्रेड आउ जो माइक्रो टीचिंग भितर दुईटा रही जाए। तो से भर 5 रुमर कौन मल्टीग्रेड जोटा कि तुम्हें डबल क्लास को मर्ज करके दुईटा क्लास को मर्ज करके पढ़ेब। आउ जो रहा 13 से 13 रहा तुम केवल गोटे क्लास को पढ़ेब जोटा कि तुम मल्टी सरी आम माइक्रो टीचिंग रही है मन है कौन कहे जो 18 लेसन प्लान टोटाल पर फर्स्ट इयर बनाजी ता भर रहा 13 जोटा कि तुम्हें कौन बनइब ना हेटा माइक्रो टीचिंग बनइब गोटे सिंगल क्लास पिला बनइब। आउ जो रहा 5 से 5 तुम्हें मल्टीग्रेड टीचिंग पिला बनइब ठीक अच्छे। आम ये देखिपार तुम देखे दौ रु हाँ यहाँ गोटे देख यहाँ गोटे लिखाई कौन अठी क्लास 2 सहित क्लास 3 को मर्ज करके पढ़ा हो टपिक है स्वाधीनता दिवस आउ गोटे हूँ यहाँ उद्भिद और प्राणी। तो यहाँ स्वाधीनता दिवस मे बी क्लास 2 कि 3 मुझे जानी तरह कौन टपिक अच्छी बाकी दुटा क्लास को दुटा टपिक अलग अलग चूज कराई ठीक से भाया एटी क्लास मानते द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी पिला दुजन को पढ़ाई आ दुटा टपिक भी चूज कराई सेमतीका तृतीय आ पंचम दुटा टपिक चूज कराई दुटा पिला दुटा क्लास पिला बसाई एटी भी से भाया द्वितीय और चतुर्थ पिला बसाई। तो से भाया मर्ज करके तो मुझे अलरेडी से इनस्ट्रक्शन देदेवे तुम्हें जो इनिट्यूट करुच। तापर आउ गोटे क्वेश्चन है जो तुम्हें लेसन प्लान आणव कौटू तुम्हें बाहर मार्केट रू कि बुक स्टोर को जाइए कह लेसन प्लान दरकार कार्डबोर्ड वाला मोटा वाला से देवे जो 10 पतला वाला देवे सिंगल वाला मोटा वाला देवे सी ना तुम्हें जो मैंने ट्रेनिंग नौ से इनिट्यूट वाला भी तुमको दे दिखती से सार किसी 100 पाखापाखि निंड से दे दिखती। तो से भी बेटर हम तुम्हें सेठू भी कलेक्ट करदेवे तुमको मे भी मतलब लगुच तुम दि सरी जाइए ये बड़े पर्यटन होगला ठीक अच्छे। हाँ तो ताहले
एबे एटा क्लियर हला जे केतरे लेसन प्लान तुम बनेबार अछि फर्स्ट ईयर रे। सेकंड ईयर कथा भूली जा बर्तमान पई, फर्स्ट ईयर तुमको एतिना ही बनेबार अछि। सेकंड ईयर हमर 23 टा अछि बनेबा पई, हला 23 टा रु से मल्टीग्रेड पई रहि जइबो हमर 5 टा आउ 18 टा रहि जइबो केवल रहि जइबो कोथरे जे तुम्हें गोटे सिंगल क्लास को पढ़ो माइक्रो टीचिंग रे रहि जइबो, माइक्रो टीचिंग रे रहि जइबो हला। तापर देखिबा हम नेक्स्ट जे तुमर लेसन प्लान लिखिब केमती का, तुम लांगुएज पे क्लियर हो गल मुझे लांगुएज कौन कौन कहे लिखा जीवन आउ तुमको कौ तीन टा टॉपिक ही बनबार अच्छे। एवं देखा आम फास्ट केमती लिखा केमती का लेसन प्लान को, ये तुम देख फास्ट गोटे सीरीयल नंबर वन कौन टॉपिक चूज कराई ये लिखाई सीरीयल नंबर डेट पकाई जो दिन तुम्हें टीचिंग दब से दिन। हाँ आउ गोटे कथा मन रखी था, मुझे जो एडमिशन नहीं थी लॉकडाउन पीरियड थी तो मोस्ट ऑफ द स्कूल से बंद थी से मैंने फिजिकली कौन मैंने वर्चुअल क्लास किसी अटेंड कर पार नु स्कूल जेहेतु बंद थी आम कौन भी क्लास को जाइ जॉइन करके पिला पढ़े पार नु कि तुम्हारे तो ये सब स्कूल खोलीगला तो तुमको बोधे जीक जो 18 लेसन प्लान अच्छी ताकि पढ़ाई कि हे तो तुम्हें तुम स्कूल मैंने तुम्हें जो भी ट्रेनिंग नौ से ही पढ़ेब आउ कि तुम कौन करना तुम पाख नियर स्कूल को किसी पठाव तुम्हें जो भी मैंने डीएलडी करुच कोर्स आखपाख एरिया केतरा स्कूल थी से स्कूल को तुमको पठाव किसी ग्रुप करके पिला पठेबे सार। तो नेक्स्ट टॉपिक है आमर जे आम लेसन प्लान बनवा केमती, तो ये आम गोटे टॉपिक ही चूज करनवा ये जो सीरीयल नंबर लिखाई कंटेन्ट रेठी आम गोटे टॉपिक चूज करनवा। तो गोटे टॉपिक रु कौन ना फास्ट लिखाई जो सजीव और निर्जीव मैंने क्लास भि पिला ना भि आई पिला मैंने षष्ठ श्रेणी पिला बछाई सजीव और निर्जीव ठीक अच्छे। तो सीटा ये पेज नंबर लिखाई एक रु 8 नंबर पेज अच्छे सीरीयल नंबर डेट ता सहित कौ क्लास तुम पिला पढ़ेब एंड से टॉपिक कौन लिखाई तापर ये जो साइन बस आई तुम जी से मे भी तुम प्रिंसिपल मारी पारे ना तुम जी तुम चेकिंग करने थे सी मारी पारे साइन ठीक है। तो ये आम गोटे टॉपिक को चूज करवा सजीव निर्जीव पर देखा साइंस जो चैप्टर अच्छे षष्ठ श्रेणी ताकि लेसन प्लान बना जा। तो यही है तुम लेसन प्लान लो फास्ट पेज तुम पाखे जो लेसन प्लान अच्छे तुम्हें खोलिक चाहिए भी देखिपार ठीक अच्छे जे तार फास्ट पेज समस्त घर तुम ओडार जो भी किणना कहीं हिं लिखाई थोड़ा तो फ्रंट पेज तुम पाखे यहीटा ही आसो ठीक अच्छे। तो यार पेज रे तुम देखिपार ये कौन लिखाई लेसन नंबर तुम्हें जेहतु एक नंबर अच्छे ना तो लेसन नंबर एक रोटे तो यह फास्ट पेज रेव लेसन नंबर लिखाई थोड़ा तो अलग पेज लिखाई नी जो दे मेन पेज रहा यह प्राय तुमको जिते तुम जो टीचिंग दौ थो जो टीचर थे तुमको चेक करने तो सी हूँ तो ये क्रॉस क्वेश्चन भी पचारि पारती जे ये लिखा आमको कौन पर जरूरी तुम्हें सीटा कह आम कौन पर जरूरी जो डेट पकेबा कौन पर जरूरी है डेट न पकेले कौन हम तापर है तुम्हें मैं तर सीरीयल भी रहा दरकार जे आगे रहा डेट डेट रहीपर तुम्हें जो स्कूल पढ़ाऊ थो से स्कूल ना से लिखा तुम्हें जो स्कूल पढ़ाऊ थो मन रख तुम्हें जो स्कूल पढ़ेच से स्कूल ही ना लिखा तो ये 11 प्लस तो हम नहीं तुम्हें 12 प्लस लिखे ये भूल लिखाई 11 प्लस प्लस लिखाई 11 प्लस हमने ये है यहाँ मोर नुहे मैंने मो सीनियर जनक ये ठीक अच्छे। तो ये 11 प्लस ना 12 प्लस लिख तुम्हें एस पूरा करेक्ट करके निर्घंट यटा को मन रखे निर्घंट आ समय तुम्हें जो स्कूल पढ़ी थो तुम स्कूल जो पीरियड सब हुए गोटे गोटे पर बेल बाजे से निर्घंट ठीक अच्छे। आम तुम्हें कौ पीरियड में पढ़ाऊ तुमको दि जाए तुम्हें थोड़ा ना गोटे पिला जाए पढ़ेब एमती तुम सांगसाथी आ बहुत सारा पिला जाए पढ़े तो तुम सीरीयल नंबर जो पढ़ो तुम्हें जो क्लासटा को अटेंड करा हाँ के तुम जो पीरियड थी से अनुसार तुम्हें पीरियड ना पकेब थर्ड कि फोर्थ पीरियड पकेब आ मेनली पढ़ाई एक्चुअली 40 मिनट दि जाए 40-45 मिनट तुम टीचर से जितक मिनिट कह तुम्हें से मिनट ये लिखो एंड से मिनट ये पढ़ेब यहाँ भेरीज कै 35 मिनट 40 मिनट तो किए 45 मिनट भी लिखती है तो ये 35 मिनट लिखाई है तुम्हें तुम अनुसार लिखो कत मिनिट आउे कौन ये विषय कौन तुम्हें जेहतु सजीव निर्जीव कौन जाऊँ विज्ञान में जाऊँ तो ये विज्ञान में लिख सजीव निर्जीव हूँ तार टॉपिकटा मेन कंटेन्टा हूँ आमर किए सजीव निर्जीव। हाँ आउ गोटे जिनस तुम्हें सब जिन ओडिया लिख ठीक अच्छे ये जो डेट चाहिए तुम्हें इंग्लीश पकईप से किसी ना ये जो लिखाई थर्ड तुम लिख तृतीय बोली आउ है ये जो भि आई लिखाई तुम्हें षठ श्रेणी भी लिख ये 11 वर्ष लिखाई जो 11 इयर्स तुम जो कह एक्चुअली 12 वर्ष हम यहाँ तुम्हें ओडिया लिख जो तुम ओडिया सब बनाऊ तो ट्राए कर डेट को भी ओडिया लिखापी कि असुविधा नहीं डेट को भी
ओडिया लिखापी ठीक अच्छे सब जिन ओडिया लिखे तो कहीं तुम लेसन प्लान को कई जन अनेक कह एट तो सब ओडिया लिखाई है कौन पर इंग्लीश लिखाई है कहीं तुम्हें प्राइमरी टीचर मैंने प्राइमरी टीचर पर हो ठीक अच्छे तो प्राइमरी टीचर में सब जिन ओडिया ही लिखा पड़े आमको तो ओडिया गवर्नमेंट स्कूल जो आम पढ़ेगा तो से ओडिया मेनली लिखा जाए तुम्हें जो पिला पढ़ो छः श्रेणी पिला तो ओडिया ही मदर टंग ना तो ओडिया ही पढ़ा तापर ये फिलअप कला नेक्स्ट आस साधारण उद्देश्य कौन जेनेल आ गोटे हूँ कौन स्पेसीफिक एम्स तो ये देख ई मैंने कौन तुम्हें धरी नियो तुम्हें गोटे टॉपिक चूज कल आम जमी कह सजीव निर्जीव यहाँ कौन थे जाऊँच विज्ञान जाऊँच तुम्हें कह तो विज्ञान पढ़ले गोटे पिला कौन हम कह तुम्हें सजीव निर्जीव कथा लिखी साधारण उद्देश्य मानने सजीव निर्जीव टॉपिक विषय लिखा ना मन रखिथ्व ये क्या विषय लिखा ना सजीव निर्जीव जहाँ अंडर जामती विज्ञान अंडर जाइंस अंडर जाटा तो से गोटे पिला को सैंस पढ़ले तार कौन टा बेनिफिट हम से जिनसटे लिखा आउ जो रहा मुख्य उद्देश्य मेन ये लिखा जो सजीव निर्जीव टॉपिक उपर यही दुटा जिस क्लीयर है जे साधारण उद्देश्य कौन हम ना जेहेतु सजीव निर्जीव टॉपिक आम चूज कर अंडर जा साइंस अंडर जा साइंस पढ़ले पिलार कौन कौन डेवलपमेंट हम सीटा तुम ये लिख साधारण उद्देश्य जेनेल एम्रे आज रहा स्पेसीफिक एम ता भर कौन लिख जेहेतु तुम्हें विज्ञान अंडर सजीव निर्जीव को चूज कर सजीव निर्जीव विषय लिख जो सजीव निर्जीव विषय जान लें तार कौन फायदाटा हम पिला केमती जानव जो हाँ गोटे सजीव जिनस निर्जीव जिनस तार इमोशन अच्छे खावा दरकार पड़ू ताको केयर दरकार पड़ू एंड गोटे चेयर को सेतिकी आम ताको खावा को दबानी ताको पानी पीवा को दबानी ठीक अच्छे तो चेयर गोटे इमोशन ना तो से जिनसा से बुझ तो से तुम सजीव निर्जीव विषय लिख मुख्य उद्देश्य आठ लिख केमती का देख ये आम क्या अधिका इंपोर्टा दूसरी स्टूडे तुम देख एने तुम आडमिशन नहीं रिसेंटली तुम हूँ तो कोर्स अल्प अल्प स्टार्ट तुम्हें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिते पढ़ तुमको मेनली फोकस करा जे तुम्हें स्टूडेंट मानक डेवलपमेंट केमती कर ठीक अच्छे ये आमर एम रे स्टूडेंट मानक डेवलपमेंट आम कमी करवा जो उद्देश्य रहा स्टूडेंट मानक ही बेस करना तुम उपर ना तुम जो स्कूल पढ़ाऊ से उपरे पेरेन्ट्स फोकस कौट रुडेट उपर ठीक अच्छे तो से लिखाई साधारण उद्देश्य कमनली लिखाई है शिक्षार्थी मानकर आ जिन डेवलप हम तो शिक्षार्थी मानकर कौन कौन डेवलप हम लिखाई विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान आहरण करेंगे से मैंने करेंगे कौन मैंने स्टूडेंट्स मैंने जहाँ को पढ़े सजीव निर्जीव विषय क्या विज्ञान कौन सा टॉपिक तुम चूज कर पढ़ाऊ वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास साधन हो देख ये जदि भी तुम्हें कि आर्ट्स पिला साइंस पिला मिक्स करके वीडियो देखुचना तो मुझे स्पेशली साइंस पिला कहीदे शुण तुम्हें बहुत टाइम धरी है तुम्हें कौन इंग्लीश पढ़ी आसल तो ओडिया सडनली स्विच करवा बहुत मुस्किल होमती नुह आम ओडिया कहीपर लिखिपर कितु जो हाइली ओडिया वार्ड दे कि जो लिखा जाए टे सुंदर लगे कान को शुणापी तुमको ये से वार्ड ही यूज कराक पड़ो जमीक आम कह धर ए लाइनटा को मुझे सिंपल वार्ड में कहीदेवि जे कौन विज्ञान संपर्क से जानवे आउ जो लिख विज्ञान संपर्क से ज्ञान आहरण करेंगे तो निजे भाव कहार हाइली वार्ड ओडिया पूरा है ऑब्वियसली सेकेंड लाइन जोटा मुझे कहली तो तुमको से भाया लाइन ही चूज करा पड़ो जो बढ़ापी लिख से न बढ़ी तुम्हें लिखी वृद्धि यही सब वार्ड जानापी इच्छा गोटे जाणी वार्ड लिखनी कौन लिख जिज्ञासार मनोवृत्ति बढ़ो नेक्स्ट है देख ये लिखाई उपकरण मैंने एड्स हेल्पिंग तुम्हें कौ कौ जिनस यूज करें कौन कहते नॉर्मली टीएलएम कहते टीएलएम मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना यहाँ क्या टीएलएम या मैंने कौन मैंने शिक्षण सामग्री मैंने तुम्हें पिला पढ़ेब तुम्हें भी ये स्कूल ठीक अच्छे तुम्हें जो स्कूल टीचर जो तुमको क्लास को एंट्री करते हाथ में कौन कौन थाए कह बुक थाए सी हूँ तो मैथ फैप धरती हुए सी जियोग्राफी टीचर होते आउ ए कह तुम्हें सतरे मु सत कथ कह गए एक्चुअली हाथ में किसी भी न था कि ये जिनस रहा कथा ठीक अच्छे मो लाइफ तो मुझे जानते मुझे जो स्कूल पढ़ी हाथ में किसी भी न था से सार हाथ में किसी भी न था सी आसिक आमको ही बुक मागती जे बुक गोटे दि बोली है मैथ तो दूर कथ लाइफ मैंने मुझे गोटे ग्लोब भी देखनी मो स्कूल
ठीक अच्छे मुझे जानी तुम स्कूल मान सब के डेवलप हो गला कि जो टाइम करूँ से टाइम सब जिन कि ना तो एवं छाड़ा तुमको न्यू जेनेसन तुम न्यू टीचर सब गोटे गोटे आम हम तो तेणु करमको ये जिनस चेंज करार अच्छे तो जो जिन आम भी केवे फेस करना से पाला हिं जनईबार अच्छे जो जिन एक्चुअली हवा कथा तो यहाँ से टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो थी तुम्हें यार क्लास को एंट्री कर तुम हाथ में कौन थी दरकार कौन कौन थी दरकार चक् डस्टर ये कार्यफर्द विषय में तुमको कहि यू गोटे सैड रखी था तापर रहा सजीव मानकर फोटोचित्र मैंने कौन देख तुम्हें टपिक कौन चूज कर सजीव यूनिट जी तुम्हें से पिला बुझेपी देख तुमको कौन से भी टपिक पढ़ार अच्छे ना पिला को रियल लाइफ सहित कनेक्ट करार अच्छे ठीक अच्छे आ सैंस तो जानी थो रियल लाइफ बिना ही सैंस बुझा असंभव क्लीअर कि नुहे हे तो तुम्हें ओडिया रे रियल लाइफ विषय किसी कही पारे कहानी स्टोरी मध्यम कहींपर कि सैंस गोटे तुम्हें चूज करो तुमको कौन देखा पड़ो प्रूफ कराक पड़ो सैंस तुमको प्रूफ कराक पड़ो तापर तुमको रियल लाइफ सहित जोड़ा पड़ो कनेक्टेड कराक पड़ो जे रियल लाइफ ये जिनस हुए बोली एग्जाम्पल तुम्हें सजीव निर्जीव तो टॉपिक पढ़ाऊ तुम्हें निजुक गोटे सजीव कहींपर आठ चेयर को गोटे निर्जीव बोले कहींपर एंड तुम्हें आगे दौड़ी और चलिक भी देखे पार देख मुझे कि चेयर चलूनी मत तुम धर मो गोटे मत चिमुड़ी मत काटू कि चेयर को गोटे बाड़े किसी पेन हो ठीक अच्छे तुम्हें ये एग्जाम्पल नहीं कि रियल लाइफ सहित कनेक्ट कर तो से कौन ना सजीव और निर्जीव मानकर फोटोचित्र तो फोटो ठार सब भल कौन तुम्हें रियल में किसी जिन नहीं पार ये फोटोचित्र को छाड़ी तुम्हें लिखिपर कौन ना गोटे सजीवर तुलसी गच गोटे नहीं जीव कि कौन से गच नहीं जीव आउ कौन से गोटे निर्जीव वस्तु जमीक तुम डस्टर को यूज करपारे तो से देखा पड़ो तुम्हें यदि कौन कौन एक्जामपल सब नहीं देख पार पाखे देख यहाँ सजीव यहाँ निर्जीव एमती सब जिनस आउ कौन निर्जीव मानकर फोटोचित्र तुम इच्छा तुम्हें फोटोचित्र न किसी रियल जिनस किसी नहीं पार ताठ बेटर आ रही हेनी तापर मूल्यफर्द यो कार्यफर्द मूल्यफर्द गोटे सैड रख है ना तापर अच्छे कौन सजीव मानकर वृद्धि आ वंश वृद्धि फोटोचित्र सजीव मैंने केमी गोटे रू दीटा होने खाऊंट केमतीका केमती से मैंने फुड कलेक्ट करूँ कि निर्भर करके रोचे तुम्हें तो से टपिक विषय भलसे जानी केमती आइडिया गोटे ष्ठ श्रेणी पिला तुम्हें पढ़ेब ना मुंड जमी पसैब जो गोटे सजीव और निर्जीव भितर से डिफरेन्स जापर सजीव भितर कौ कौ क्रिया सब चले निर्जीव कौन से क्रियाटा करें तार कौन श्वासक्रिया दरकार ना कौन तार पोषण दरकार ना कौन पाई तार लोकोमोटरी ऑर्गन किसी दरकार नहीं तुमको प्रूफ कराक पड़ा और एमती भी कहक पड़ो जे रोबोट रोबोट जदि भी आम भाया गोटे जगह आउ गए जगह चली पार्चे जदि भी किसी साउंड तुम्हें शुणु किसी कहीपर रोबोट ता मैंने से नुहे से गोटे सजीव हो जाए से गोटे निर्जीव अलग जिनस प्रूफ कर देख देख से कम कर पारे तो से निर्जीव हो जाए से चलना भी से निर्जीव हो पारे से कथ कहला भी ये रिजन जो से निर्जीव हो पारे तुमको से जिन गोटे षष्ठ श्रेणी पिलार माइंड में पुट कराक पड़ो एति क्लीअर देखा ये कौन कार्यफर्द आ मूल्यायन फर्द कौन देख कार्यफर्द कौन थे तुम जो पढ़ेब पिला किसी टपिक केत पर्यटन पढ़ेदेल तुमको आज चूज कर अच्छे 35 मिनट तुमको टाइम दिखाई ता भितर थोड़ी ना तुम सजीव निर्जीव पूरा चैप्टर को एक थर छाड़दब तुमको किसी सिलेक्टेड मानते मेनली तुमको गोटे पेज कि दी पेज से दिन टारगेट नहीं पढ़ेबार अच्छे तो से टारगेट भितर तुम टारगेट पूरा होगा तुम्हें जी बाट चाहिए से बाट पढ़ाईदेल से भितर जी क्वेश्चन आसला से क्वेश्चन को एक मार्क अनुसार सब एक मार्किया क्वेश्चन सब या कर जो एक मार्किया क्वेश्चन एक मार्किया क्वेश्चन सब कौड़ा कौड़ा कह सर्ट क्वेश्चन जमी गोटे फिलअप्स मैचिंग कर पिला ना जो लेफ्ट राइट आम जो एनालॉजी रे करते आम रिजनिंग रे जमीक ये किसी लिखाई थोड़ा धर आम कह गच्छ गच्छ ये सजीव ताहले डेस निर्जीव एटा गोटे ओपन एंडिंग एनसर तो ओपन एंडिंग एनसर माने कौन जो थे तुमको कौन करा पड़ो ना पिला चूज कराक पड़ो से ही निजे कहे जे यहाँ एक्चुअली सजीव मैंने देख ये सजीव तुम्हें तक आईडिया देदेल कौन गच्छ बोली कि निर्जीव तुम्हें ब्लांक छाड़देल आ निर्जीवटा को सब निजे ही फिलअप करेंगे आखपाखर जिनस देखिक से जो क्लास बसथे आईदर से कोई फोटोचित्र देखिए कोई टेबुल को देखिए ना से जो पेनसिले लिखुए कि पेन लिखुए तार ना भी ये लिखिपारे ओपन एंडिंग एनसर तक माइंड में उपर फिक्स करके किसी एनसर तक दबनी तुम इच्छा सेमती देख कि ना तुम्हें जहाँ भी बनइब क्वेश्चन तुम्हारे डिपेंड कैंकि तो
ଆସିବ ଯେ ପିଲାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଇଡ଼ିଆ କେମିତି ଲଗେଇବ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଘୋଷିବନି ଜିନିଷକୁ, ମନେ ରଖିବନି। ତୁମେ କହିଦେଲ ତାକୁ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲା ସଜିବ, ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତୁମେ ତା'ର ସଜିବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବ, ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ, ସେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରେଇବନି। ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରୁ ଯେ ଏଇଟା ସଜିବ ବୋଲି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଇରେଜର ଲେଖିବି ସଜିବ କି ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଛି କୁକୁରକୁ ପାଳିଛି ସେ କୁକୁରର ନାଁ ଗୋଟେ ସଜିବା ଭିତରେ ପୁରେଇ ପାରିବି। ସେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ବାଛିକି ଲେଖିବ, ତୁମେ ତାକୁ କିଛି ଫୋର୍ସ କରିବନି। ତ ସେହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବନେଇକି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଯେତେଟା ପିଲା ଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ଦେବ। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଥାଉ, କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ତ ଏକ ଆଉ ଦୁଇ କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ରହିଲା ଉପକରଣ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଟେବୁଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟେବୁଲ, ସେସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ସୂଚନା, ଏ ସୂଚନାଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବିଧି ନୀତି ସୋପାନ, ଘୋଷି ଦେବ ପୁରାପୁରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମାନେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ତୁମ ମନେ ରହିବନି, ଘୋଷି ଦେବ ମେନ୍ଲି। ତୁମର ଯେଉଁ 18 ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଖିବ ନା, ତୁମକୁ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଲେଖିଲେ ଆଉ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିଦେବ ତୁମକୁ। ଏତେ ଥର ଲେଖିଲା ମାନେ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଜିନିଷରେ। ତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମେଥଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେଥଡ଼ ଏଇ ମେଥଡ଼ ପରେ ପ୍ରବିଧି ମାନେ ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକ୍, ଟେକ୍ନିକ୍ ତୁମେ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ତାପରେ ନୀତି ହେଲା ରୁଲ୍, ଏଣ୍ଡ ସୋପାନ ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଦେଖିଆ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼କୁ ଫଲୋ କରିବ ସେ ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ତୁମେ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ କରୁଛ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ୟାଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ କିଛି ବି ଆସିକି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ସାଇନ୍ସ ଟପିକ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛ, ତୁମେ କହୁଛ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଚାଲ ଆମେ ନାଚିବା, ଚାଲ ତୁମେ କେହି ଗୋଟେ କୁହ ଯେ କୌଣସି ଗୀତ, ମାନେ ଧର ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ କୁହ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ଏମିତି କିଛି ଟପିକ୍ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉ, ତୁମେ ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଉଛେ, ସେଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ହିଁ ରହେ, ଏଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ପ୍ରବିଧିଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କେବେ କେବେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ସେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଟପିକ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ଆଲୋଚନା କରିବ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ପଢ଼େଇଦେଲେ କିଛି ଟପିକ୍, ଆଉ ଯେଉଁ 15 କି 10 ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ତୁମେ ଧର ଧର ଅଛନ୍ତି ଯଦି 25 ପିଲା, 25 ପିଲାକୁ ତୁମେ 5-5 ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ବସେଇଦେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଦେଇଦେଲ, ଏ ବି ସି ଡି ଆଣ୍ଡ ଇ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଦେଇଦେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ ତୁମେ ସଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ, ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଛ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଦେଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟା କେମିତି ସେମାନେ କରିବେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ହିଁ କରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ତୁମେ 1-2 କି 1-2 ଠାରୁ 3-4 ଏମିତି ନିଅନ୍ତି ବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟପିକ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେମାନେ କରିକି ଦେବେ। ତୁମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ କାହା ପାଇଁ ଥାଏ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। କରିକି କିଏ ନିଏ, ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ କରିକି ନେଇକି ଯିବ। କେଉଁଥିରେ କରିକି ନେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜରେ, ପ୍ଲେନ୍ କାଗଜରେ କାଟିକି ସେଥିରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ, ସେଭଳିଆ ବାର ବାର ଏମିତି 10-12 ଖଣ୍ଡେ ଚିଟ୍ ସବୁ ବନେଇବ, ସେ ଚିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। ତୁମ ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ 5 କି 10 ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କର, କଲା ପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କତିରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ଯେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଝିଲେ ବୋଲି ପାଠଟାକୁ। ଜାଣିପାରିବ ନା, ତୁମେ ଏତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି 20-25 ମିନିଟ୍ ବୁଝେଇଲ, ପିଲା ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେଇଥିରୁ। ଠିକ୍ ହେଲା, କେଉଁଥିରେ, ପ୍ରବିଧିରେ ଗଲା। ତା'ପରେ ନୀତି, ନୀତି ମାନେ ରୁଲ୍ ତୁମର କ'ଣ ରହିବ, ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜ ଜିନିଷରୁ କଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ, ପିଲା ସିନା ସହଜ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଛ, ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ତ ତୁମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଟିରେ ନ ବସିକି ବାର ବାର ତୁମକୁ କ'ଣ ବସିବ, ଯେ ଆମେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କରୁ, ଆମେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏହିସବୁ ପାଇ ନେଉ, ଆମର ଲୋକମୋଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ଏମିବାର ନାଁ ହେଠି ଧରିବ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ରଖିଥିବ, ତ ତାଙ୍କ ଟପିକ୍ରେ ଏମିବା ହିଁ ନଥିବ ପ୍ରାୟତଃ। ତ ଛୋଟ ଗଛ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ କ'ଣ, ଆମର ଯେମିତିକି ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯେମିତିକି ସଜୀବ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରି ତୁମେ ପଢ଼େଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଆଉ କ'ଣ, ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ଜ୍ଞାତ ମାନେ ନୋନ୍ ଟୁ ଅନ୍ନୋନ୍, ନୋନ୍ ଟୁ ଅନ୍ନୋନ୍, ୟା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ନୋନ୍ ଟୁ ଅନ୍ନୋନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲା ଏମିତି ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତିକି ଦେଖ ପିଲା ଜାଣିଛି ଯେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଛରେ ଆମେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଛରେ ଆମେ ପାଣି ଯଦି ନଦେବା ଗଛ ମରିଯିବ, ତ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁଟ୍ କରିବ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇଲ ଆଉ ତୁମକୁ ଗଛକୁ ବାର ବାର ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଯଦି ଗଛକୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେବାନି ଆମେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଗଛ,
तो सही क्वेश्चनटा माइंड रे पूरेबो जो थे जानपर ओहो ताले मो माँ गच्छ को सेइतिपे पानी दियंती जे गच्छ बंचियो बोली गच्छ रे सेइतिपे मो जेजे कोन करंती ना बार बार माटी को किछि टाइम टाइम टू टाइम से खोलंती जो थे ताकि पवन टिके पसिबो गच्छ सेतरा कोन करबो श्वासक्रिया करियो बोली तो ये सब जिन माइंड तुम्हें पूरेब है जो थे निजे रियल लाइफ को कनेक्ट करके भाव मो माँ ये यहाँ करती मो बापा ये से करती ओहो ताले मुझे मो जो गच्छ लगे मुझे ये भाई केयर ने ठीक अच्छे तो सी से सब जिन जान तो सी सरल जटिल जीव माने इजी टू जीव टे हार्ड आड़ को जीव एंड ज्ञात रू अज्ञात मान जो नोन टू अनोन आड़ को जीव जो जानी थोड़ा से ही जिनस ही पढ़ा दरकार अनोन जिनस तो पर जानवे ना कि जानी जिन जिन तो आम बेसिक बेसीस् करके अलग जिन हार्ड जिन पूरे पार माइंड में देन अच्छे सोपान सोपान सब फिक्स रहा कौन तुम रोक उपक्रम उपस्थापन मूल्यायन ये मूल्यायन मान हो कौन ये इवाल्युएशन केमी कर इवाल्युएशन मैंने पिलाटा के पाठ को बुझला लास्ट तुम्हें देख देखिए कौन बुझला से कितने आंसर दे पारे मुझ पचार बेलू क्वेश्चन से मोर उत्तर बाहर ना ना उपक्रम कौन कौन रहा आम देखा जो एड़ा सब खाल्टे तुम रहा ठीक अच्छे ये जो सोपान तुम्हें रख लोपान अनुसार तुम लेसन प्लां जीव एटा को भलसे देखी देते उपक्रम उपस्थापन मूल्यायन उपक्रम इंट्रोडक्शन उपस्थापन रिप्रेजेंटेशन मूल्यायन इवोल्यूशन ठीक अच्छे ये तीन टा को लेकिन आम लेसन प्लान बना जाक तुम क्लीयर हेलो ये तीन टा को लेकिन आम लेसन प्लान बना जाए स्टेप बै स्टेप कार्य फर्द मूल्यायन फर्दर कौटी तुम यूज कर तुमको कहीदेवि चलो नेक्स्ट पेज को ये से जो आम जो पेज बर्तमान देखीगले तार नेक्स्ट पेजटा है ये देख ए पेज रे तुमको कौन कर तुमको नई पेज रे आगु गार दे नो गार दीटा ये गार देखु ये गार दिन दे न थाए परमानेंट फिक्स गार है तर एक थाए एटा थी बस ए मझे जो गार दीटा यहाँ पूरा पूरा ब्लांक थी ए पेजटा तुमको ये मझे दीटा गार पकेबार अच्छे आते देख तुम हेडलाइन सब कौन कौन लिखाई ए हेडलाइन लिखाई कौन कौन लिखाई शैक्षिक उद्देश्य मानने पिलाटार मैंने आम ये जिन टपिक पढ़ले तार कौन कौन सब उद्देश्य पूरा हे तापर है शिक्षयित्री कार्य तुम्हें जदि किए पुपा बनाऊ तुम लिख शिक्षक कार्य जे जदि कौन झील पिलाटी बनाऊ लेसन प्लान तुम्हें लिखे शिक्षयित्री कार्य तापर है शिक्षार्थी कार्य शिक्षार्थी कौन करेंगे से टाइम तुम्हें तो किसी गोटे काम कर तो टाइम पिलाने कौन करेंगे तुम्हें जो टाइम ये कामटा करपर शिक्षण सामग्री जो तुमको कही टीएलएम तुम्हें कौन ये यूज कर टीएलएम फर्म्रे आउप रही है कलापटा कार्य ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ देख आग कौन लिखाई देख फास्ट हेडलाइन अच्छे सक्रियात्मक कार्य आठ लिखाई उपक्रम तो मुझे कही ना सोपान उपक्रम अच्छी इंट्रोडक्शन आईटा प्रथम सीरियल नंबर तार है प्रथम तो प्रथम कौन रहा उपक्रम उपक्रम शैक्षिक उद्देश्य कौन पचर देखा यहाँ देखा सक्रियात्मक कार्य कौन मानने तुम्हें जो क्लास को एंट्री करते तुम वेशभूषा केमती हवा दरकार कौन हाँ दरकार तुम्हें कांदी कांदी जीव हेटी रागिकी जीव सेमती किसी नुह तुम्हें तो क्लास को एंट्री कर तुम मुहर गोटे स्माइल नहीं जीव तुम्हें हसिकी जीव पिला जमी कह हाँ मो मैम कि मो टीचर मैंने एमती राग मुड्रे ना तुमको से अधिक मुडी जमी फिल न करूँ ठीक अच्छे जो से तुम सह कनेक्ट हो पारे तो से लिखाई सक्रियात्मक कार्य मैंने आक्टिविटी जमीक से पिला आक्टिव होते कहीं तुम्हें तो हम तो क्लास को जाइए पिला कहीं ढोलाउे कहीं शो पड़े कहीं बहुत लेजी थे ना टीचर का आबसेन्स बहुत जोर नएजी मैंने ये करेंगे क्लास में बहुत सारा चिलौते पिला तो से तुमको कौन कर माइंड को गोटे जगह को आनबार अच्छे जोपाइम तुम टपिक पढ़े तार किसी बेनिफिट हो पार पाई जदि पाने डाइवर्टेड होते तुमको ये कौन कर डाइवर्जन मोड थे तुम कन्वर्जन मोड को आनबार अच्छे तो से कौन कौन लिखाई देख जो शिक्षार्थी निर्धारित समय समय मु तो निजे ही पढ़ी पारे शिक्षा शिक्षयित्री निर्धारित समय सहस्य सरी यहाँ समस्य लिखाई ना मोर नुह तुम मूल रही देख सहस्य बदन में निजर समस्त पाठ्य उपकरण सह प्रवेश करेंगे तम शिक्षयित्री जेहतु तुम्हें शिक्षयित्री कार्य लिखी छो तो लिखा शिक्षयित्री निर्धारित समय मैंने फिक्स जो टाइम होती तुम पीरियड जितने स्टार्ट होमें से पीरियड में सहस्य बदन में मैंने मुहर टी हाला स्माइल धरिकी तुम्हें कौन कर क्लास भितर के एंट्री कर शिक्षार्थी मानक शुभकामना बर्ताब ताने कौन जे शिक्षार्थी मानक आम कौन कहवा जे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ना आम कहीपर आम तुम्हें आफ्टरनून पर गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एमती किसी कहीपर ना शुभ सकाल तुम ओडिया भी कहीपर ये सी किसी भी असुविधा ना तो से सब जिन पे विश् करवा दरकार ग्रेड्स जाना दरकार
श्रेणी गृहर शांति श्रृंखला प्रति दृष्टि देव देखिए पिलाके झड़ा लगुना पिला बहुत जोर साउंड करूना तो से शांत करने को ट्राए कर तुम्हें तुम वे भल वे रागिक नुह शिक्षार्थी मानक यू आकार बसाइब तो देख एटी जो आम बसा जाए मेनली यू आकार बसा जाए ना सर्कल करके बसा जाए सर्कल करके केत बसइब जो तुमको मैंने पढ़ी सारी एंड तुमको किसी कम दबार थी आज तुमको पढ़ेबार अच्छी से यू आकार बस यू आकार बसने भी लाभ कौन तुम से तुमको टीचर पचारि पारती तुम पे यू आकार बस कहीं दरकार यू आकार बस कौन हम धरी ये जो देखु कार्टून भाई पिक्चर कटाई ये कहीं नुह ये तुम्हें ये गोल गोल अंडा भाया टिके टिके साइड रे ये होचंते तुमर से जो छोटे छोटे पिला माने जहाक तुम्हें एते स्नेह रे पढ़ेबो तो ये हला तुम्हें एंड यू सापरे ए सेपरेट बसचंते बहुत सारा पिला एंड तुमर नजर समस्त गाड़ को रहउचे फोकस समस्त गाड़ को रहइबो समस्त तुम सब फेस टू फेस कनेक्ट करि परबे सेइति पे तुमको यू सेपरे बसेबा तापर सेइति पे लेखाइ देखै ए चित्र कार्टून जे शिक्षयत्री आ जो अंडा जे से हला शिक्षार्थी ठीक अछि तो यू आकार बसइबा देन शिक्षार्थी मन रे आग्रह उद्दीपना आने शिक्षयत्री अनुकूल परिवेश सृष्टि करेंगे देख ये मैंने कौन जे पाने जानते बहुत सारा जिनस भावती आज तो टीचर जो नए तो छाड़ सी पर मैंने कौन बोली कौन करदे क्लास भितर आम भी तो सही हिं थे ना आम भी तो क्लास भी मे भी से हिं करू छोट बड़े आम ये तो से पाने से ही अवस्था कर तो मन में पाठ सजीव निर्जीव प्रति सांगे सांगे तो सडनली कहीदेवनी आज पाने चल आम टपिक पढ़ा सेमती किसी तो कहीं ना कहले कौन हम पे तुम क्या कहीं भी शुणे तरह किसी आईडिया ही नथ तुम्हें कौन पढ़ाऊ तुम्हें किए कि ना किए तार क्या पेनसिल मुनर कैंची देवनी किए का चुटिकी टाणी आनवन किए क्या इंक छाटी देवनी एमती सब तमसा चलती तो तुम्हें कौन कर माइंड को गोटे जगह को आने मानते कहते ना पंच इंद्रिय को एकजुट करने तो से भाई कम कर तुम्हें कौन कर कौन बाड़ी धरिकी मार मार तो सेमती किसी करनी कौन कर आईडर तक गोटे स्टोरी मध्यम कह ना कह आज पे मार्केट को जा मुँ कौन कली ना कि गोटे जगार गोटे गाड़ी को कहली गाड़ी चल मत नहीं जा से गाड़ी तो गलानी कि तो गाड़ी ड्राइवर जे मत नहीं गला हला पुणी कि तुम जो घोड़ा गाड़ी में बसली घोड़ा कौन आपे आप चल चल पड़ेगा तो आप ड्राइवर दरकार पड़ानी अरे एमती कमी है ये सदा माइंड तुम्हें पुट कर जापर जो कौन आस्ते आस्ते तुम देख जो फास्ट एंट्री करपिक ना नबनी जहाँ जी आम सजीव निर्जीव पाठ पढ़ेगा बोली ना तुम्हें माइंड रे एमती पजल सब तैयारी कर जो से भाभीपर ओहो आज मो मैम सजीव निर्जीव टॉपिक पढ़े बिना बुक रे से जापर से तुम्हें कौन पढ़ाक चाहो जमी एग्जांपल चलिए आज मो ऑटोवाला पाखु गली मो ऑटो कले ऑटो चलू मत नहीं चलू कि सी मत नहीं गलानी कि मो घोड़ा गाड़ी जो बस घोड़ा मत नहीं पड़ेगा अरे एमती कमी है घोड़ा गाड़ी बिना ड्राइवर भी चलिक पड़ेगा तो ये सब जिन माइंड में पुट कर आमंत बहुत सारे एग्जांपल दबो तापर से ऑटोमेटिकल जानते हाँ आम सजीव निर्जीव टॉपिक आज आम स्टार्ट करार अच्छे ठीक अच्छे तो सहीटा है उद्दीपना मुझे तुमको बुझे तुम टीचर यहाँ बहुत भलि बुझेदेवे ठीक अच्छे तुम इनट्यूट बहुत बढ़िया से बुझेदेवे तो शिक्षार्थी मानक प्रसंगाभिमुखी करने केतोटी प्रश्न पचारे प्रसंग मान मन अच्छे मो प्रसंग जो लिखाई थे सीटा लिखी थे सजीव और निर्जीव बोली तुमको एमती किसी क्वेश्चन पचार माइंड में पाने कह के गछ लगे से कह हाँ मैम आम गछ लगे तुम घर पाखे तुसी गच अच्छी कह हाँ आम घर तुसी गच अच्छी मो बाड़े बहुत सारा बैताल गच काकुड़ी गच लगाई से कह हाँ आम बैताल गच काकुड़ी गच भी लगाई ताल कह जी तुम माँ के गचर पा दिखती देखी के पा दबार से कह हाँ पाने दबार देखी कभी देखी तो बापा कौन से गच को काटिदेबार से कह हाँ मुझे गटिदेबार अच्छा तुम गच काटिदेला किसी दिन पर जगह गच आउ थे उठी पड़े से कह ना के देखनु गच आम हाणीदे मरी जाए तो सी अच्छा मरी जाए तर टेबुल को काटिदेले से मरी जाए ना ये भांगी जाए तो से मरी जाए एंड भांगी जाए दीटा वर्ड भी से पूरे यूज करेंगे से ठीक अच्छे तो ये सब जिन तुम माइंड में तुम्हें पूरेब कि क्वेश्चन आड़ तुम्हें किसी क्वेश्चन पचार क्वेश्चन पचारे दि चार खंड क्वेश्चन मिनिमम तीन कि चार ये देख कौन कौन सब क्वेश्चन पचराई देखे दूसरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखाई तुम चतुर्पार्श्व कौन सब जिनस देखीच जार तो सब नाम कह या गोटे क्वेश्चन पचराई सेकेंड लिखाई सब जिनस प्राणी उद्भिद एक प्रकार कि उपरोक्त प्रश्न उत्तर पाई सारापर दीटा क्वेश्चन पचारा तो दुटा क्वेश्चन पचारापर पिलाटी सी जहाँ तुमको उत्तर दबो से उत्तर पाई सारापर तुम्हें
प्रसंगर स्थान पूरण कर। ये प्रसंगर स्थान पूरण कौट कर ब्लाकबोर्ड में से पर्यटन तुम्हें लिखि न टपिक तुमको कौन पढ़ा मैंने से बेले ही पेजटा पूरा जीवदे से बेले ही तुम्हें ये जो तुम ब्लाकबोर्ड मेनली ब्लाकबोर्ड में ही तो आम ये जिन लिखने तुम्हें तो निजे जानते हो आम टीचर आसला बेले भी ये जिस लिखा हुए आम स्कूल मानक तो ये प्रसंगर स्थान से पूरा जो सजीव आउ निर्जीव बोली ठीक अच्छे से पूरा जीव कि तुम लेसन प्लान में फांका करके नबनी लेसन प्लान में सब जिन रही है ब्लाकबोर्ड में भी तो ये सब जिन लिखा हुए ना ना ओहो मुझे गोटे पॉइंट कह छाड़ी तुम्हें ये सब जिन लिखा है कि तुम्हें ब्लाकबोर्ड में भी लिखो ता भितर तुम्हें डेट पकेब श्रेणी लिख एज लिखा कि दरकार नहीं सीठी पीरियड लिख टाइम भी लिखा जाए विषय आ प्रसंग एतिक लिखा है ये ब्लाकबोर्ड में लिखा जाए तुम टीचिंग पूर्व आउ जे तुम पूर्व जब टीचिंग देखते से पीरियड जो सेकेंड पीरियड देखते तुम थर्ड पीरियड अच्छी तुम्हें इरेज करके से जगह थर्ड पीरियड लिख तार सब विषय को चेंज कर आउ तार प्रसंग को भी चेंज कर प्रसंग जगह फांका रखि यू जो क्वेश्चन कहला तीन टा पचार सारा से प्रसंगर जगह फिलअप कर मेनली मन रखी तुम आगे जब कौन टीचर तुमको चेक कर बसिक तुम्हें कमी पढ़ाऊ कदापि यही जगह को फिलअप करनी है जब कह ब्लां कौन पर रखा है तुम्हें सही क्रस क्वेश्चन पचारदेव टीचर को जे सार आम ब्लां ये रखीचु कहीं पिला को आम कि मैंने नोन क्वेश्चन पचारू तो पिला पाखर ऑटोमेटिकली से आंसर आसे ही आम ये सजीव निर्जीव क्या मेन टॉपिक आम लिखू ता पूर्व आम लिखुनु पाने निजे ही कहे जमान अच्छे कौन पढ़ा जाए गेस कर गेस भूल भी हो पाए से तुम कि मतलब ना पूरा पर तुम्हें ही ठीक कर तुम्हें ही टीचर तुम्हें ही ठीक कर कितु ता पूर्व नुह पा क्वेश्चन पचार कि रेस्पन्स नब रेस्पन्स नहीं सारापर ही तापर जाए तुम ये जो प्रसंगर नाटा को फिलअप कर एति क्लीयर एवं देख नेक्स्ट टॉपिक को आम कौन है उपस्थापन ये तुम इंट्रोडक्शन सरगला इंट्रोडक्शन देख लो कौन है पिला तुम्हें जीव एंट्री कर क्लासरूम को किसी तुम स्टडी मटेरियल को धरिकी सरला तुम्हें किसी क्वेश्चन पचार पिला पाला रेस्पन्स पाइल तापर इंट्रोडक्शन भितर ही तुम पड़ेगा कौन ना तुम्हें सब्जेक्ट जो कंटेन्टर स्पेस को भल टपिक ना लिख कौन तुम्हें पढ़े तापर आसला दल गठन एंड दल गठन मे भी कितने टपिक्र ना तुम सेमती है जो मुझे जो बनई लेसन प्लान यहाँ फिक्स बोली लेसन प्लान अनुसार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज हो जाए कि उपस्थापन रही है देख उपस्थापन उपक्रम युवा सब फिक्स होकर अंडर में जोड़ा सब जाऊँगी से गुड़ा हूँ तो चेंज हो जाए टपिक को लेकिन तुम्हें जो भाई टपिक चूज कर अनुसार यहाँ चेंज हो कौन लिखाई है उपस्थापन ये उपस्थापन यहाँ के नंबर सोपान यहाँ द्वितीय नंबर सोपान जो हमारा कौन आम उपस्थापन आम रिप्रेजेंट करवा से टपिकटा टपिकटा को मेनली आम बढ़ेगा तो देख ये तुम्हें टपिक पढ़ला बेले भूल ले कौन से बुक धरवन तुम हाथ में बुक नहीं थी ठीक अच्छे तुम्हें तेरे क्लास को एंट्री कर तुम्हें कौन ना कौन गोटे स्कूल पिला पाखर गोटे सिक्स क्लास बुक नहीं कि जा सैंस बुक कितु तुम टेबुल पर जस्ट खाली रही सी तुम्हें ता भर से टपिक भितर जस्ट खाली पेन को पूरे देखिए तुम्हें ओल्डे रखीदेव कि बुक को धरिकी पढ़ेबन जमीक आम ओडिया कि इंग्लीश स्टोरी को पढ़ाती सैंस पढ़ाऊ ना तुम्हें बुक बिना बुक पढ़ा ट्राए कर कौन से यहाँ है फर्स्ट स्टेप तुम से तुम मैंने तुम मिस्टेक से जो तुमको धनई जीव जे तुम्हें बुक देख कौन पढ़ाऊ बिना बुक पढ़ाओ कन्फिडेन्सली कन्फिडेन्ट मानने पूरा थी जे हाँ मुझे बिना बुक पढ़ेदेवि से मेनली देख तुम्हें बहुत बड़ बड़ पिला सेम पढ़े पार्वन कितु जितने आम देखने आम पाखे बहुत मानते बहुत सारा पिला रही जाइए आम गोटे स्टेज मिले प्रपर स्टेज जो पढ़ाई आउ से किसी टीचर अच्छा जो मैंने चेक करुँच देखुं कि आम टीचर ये अच्छे से देखुं कौन पढ़ाऊँ तो से नर्भस फिल हुए नर्माली बहुत पिला नर्भस फिल हुए जहाँ टीचिंग कौन से एक्सपीरियंस न थी तो से मुझे कहूँ कौन तो बिना बुक कन्फिडेंटली सहित पढ़ेब ये ठीक अच्छे तापर उपस्थापन लास्ट गोटे अच्छी कौन ना संक्षेपण ये संक्षेपण कौन लिख ना तुम्हें जहाँ जहाँ सब पिला पढ़े सैक सर्टली लिख सर्टली ब्लाकबोर्ड में पॉइंट करके गोटे लिख पाला कह निज निज खातार सब से कौन कर लिख आउ से टाइम ये सब जिन सब जिन मिस कर लेसन प्लान में सब लिखापर है कौन मूल्यायन यहाँ ही लास्ट सोपान तुम रहा जोटा कि मूल्यायन जो इवल्यूशन कर इवल्यूशन कौन जो क्वेश्चन किसी तुमको दे थोर कार्यपर्द एक रो कार्यपर्द दुई रो से तुम्हें देखो जितना क्वेश्चन सब मेज मेजे से क्वेश्चन से कलापर देखिए पिलाटी के बुझे के ठीक करुँचे आ कौ पिला डाउन हो गला कौ पिला बहुत भल से पूरा सब क्वेश्चन आंसर दे दी आउ कौ पिला एवरेज क्वेश्चन दे आ कौ पिला टोटाली ही करा ही ना तो जो मैंने करानी से निदानमूलक शिक्षा शिक्षण अच्छी जो थे कि तुम्हें कौन कर स्पेशली आउ थे क्लास में किसी बुझाव एक्सट्रा टाइम देखिए पढ़ेब यहाँ मूल्यायन गला ठीक अच्छे आउ गोटे पेज रहा तुम लास्ट पेज यहाँ तो लास्ट पेज रे तुमको कौन करार अच्छी
ना लास्ट रे गृह कार्य दबार अच्छे यहाँ गृह कार्य एपटे लिखाई तो मुझे मन रखी था गृह कार्य सब ये लिख कलापड़ा कार्य जो से लिखा जो गृह कार्य गृह कार्य लिखे तले तुम घर होमवर्क जहाँ दब दब आमवर्क कौन पर दब जमी चिंतन शक्ति विकास हम आ समय ठीक सदुपयोग कर जो पाठ पढ़ थोड़ा को आउ थे जाकि रिकल कर घर जाइंक तर लंग टर्म पर्यटन पाठ मन रोक से गृह कार्य को होमवर्क दिखते जमीक टाइम वेस्ट नक टाइम टाक भल बाटे यूज कर तुम लेसन प्लान विषय लास्ट को ये लास्ट को तुम्हें तुम नेम एंड तुम निजर नेम लिख तुम निजर नेम और तुम निजर रोल नंबर जो इनिट्यूट तुम मिली से ही रोल नंबर लिखा हुए कि फास्ट इयर सरीगला जेहतु तुम आडमिट कार्ड गुड़ा मिल जाओ फास्ट इयर जो एग्जाम दब से आडमिट कार्ड में जो रोल नंबर थाए से ही आडमिट कार्ड रोल नंबर ही तुम सेकेंड इयर में सब जगार लिखा जाए कि फास्ट इयर आम एकेडेमिक जो आडमिशन नहीं था जो रोल नंबर थाए से रोल नंबर लिखी दिखते कि फास्ट इयर सरला मैंने फास्ट इयर तुम एग्जाम दब तुम जो आडमिट कार्ड मिले से आडमिट कार्ड में तुम रोल नंबर आसो से ही रोल नंबर को सेकेंड इयर लेसन प्लान ठार लेखा स्टार्ट हम आउ तुम ये रोल नंबर को भूल जाओ सब से ही रोल नंबर अनुसार ही तुम चलो सब जिन ठीक अच्छे ये तुम लेसन प्लान विषय में आउ रहा कौन हाँ आ गोटे मुझे देखे दूसरे जो मुझे लेसन प्लान बन केमी बन ये जो जगह मो सीनियर जी एमती बनई फोटो किसी कि लिखिं तुम्हें देखो ये क्वेश्चन सब लिखाई तुम्हें जो पिला को जो क्वेश्चन दब ये छोट जगार बहुत सर्टली लिखाई ठीक अच्छे यहाँ बहुत तुमको बहुत कष्ट लगे लिखापी तुम्हें कौन कर लिखनी मुझे तुम बढ़िया टेक्निक कहीदेवी से ही जिनस कर किसी भूल हेनी तो यहाँ देख मो लेसन प्लान तो मुझे कौन कर देख तो गोटे धड़ा ह्वैट कलर कागज अच्छी है ना ये किसी लिखाई बोले लिखा ना ना इंक देखा बैक साइड रो तो या मैंने मुझे क्वेश्चन को न लिखिकी जो तो छोटे छोटे जगह थी मुझे क्वेश्चन को न लिखिकी भितर मुझे चिट पिला कागज क्वेश्चन से गोटे चिट मो भी एक्सट्रा बनई से मो अठा देखिए चिपकई आ पूरा अठा दबनी एमती अठा दब जमी खोल भी हम मुझे देखे दे गोटे भिडियो जो थी मुझे फोल्डेड करके खोलू जी ठीक अच्छे आज से मो इच्छा मोर जिते कार्यफर्द दिखाई थी मुझे कार्यफर्द पर गोटे गोटे सब कागज से सब पेस्ट बनई जो मुझे आराम से खोली भी पारि यहीपटू खोलीदे फोल्डेड फर्म से पूरा पूरी बाहरी आस पेस्टा आ संक्षेपणटा सब येपट ही लिखा ब्लाकबोर्ड हिं तुम्हें लिख ये भिडियो देख मुझे से फोल्डेड गुड़ाक जो कागज अठा मराई कमी मुझे खोलु है केवल ये लास्ट हिं तो अठा मराई केवल लास्ट ये लास्ट पेज हाँ टी अठा मराई ना पूरा पूरी खोली ही जाऊँ यहाँ यहाँ मुझे मैथ्रे पढ़े थी सेकेंड इयर पर तो सेकेंड इयर पर यह मोर थी तो आराम से खोल दो तुम्हें लिखा भी पड़े ठीक अच्छे तो आशा कर गोटे भिडियो समस्त डाउट क्लीयर हो भिडियो बन सारापर देखुचे एत लेंदी भिडियो मानते बनी भावी 15 मिनट 20 मिनट भिडियो बनब बट तर तीन गुण पाखापाखी अधिका टाइम लगे पुणी देखा हाब आ गोटे भिडियो टिल देन बाय।